हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा गया है क्योंकि राम भक्त हनुमान सारे संकटों को हरने वाले हैं, साथ ही सारी मुरादें भी पूरी करते हैं। कहा गया है कि कलयुग में जो भी हनुमान जी के सामने अपनी अर्जी लगाता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। हनुमान जी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर की बात करेंगे जो 200 साल पुराना है। 200 साल पुराने इस दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। ये मशहूर हनुमान मंदिर बैतूल जिले के टिकारी में है। बैतूल के टिकारी में इस हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये सिद्ध मंदिर है और बजरंगबली के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ आने वाले भक्त अपनी तमाम परेशानियाँ भोजपत्र, पीपल के पत्ते या फिर अकाव के पत्तों पर लिखकर हनुमान जी के सामने अर्जी लगाते हैं। पूरे भक्तिभाव से हनुमान जी के सामने लगाई गई अर्जी खाली नहीं जाती और भक्त की मुराद पूरी होती है। माना जाता है कि जमींदार द्वारा बनाए गए इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि इस हनुमान मंदिर में हर सुबह हनुमान जी के दर्शन सबसे पहले शनिदेव करते हैं। दरअसल मंदिर के मुख्य द्वार के सामने एक शमी का वृक्ष है। माना जाता है कि शमी के वृक्ष में भगवान शनि का वास होता है, इसलिए सुबह जैसे ही मंदिर के पट खुलते हैं तब हनुमान जी के प्रथम दर्शन भगवान शनि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से लोगों पर से भगवान शनि का प्रकोप खत्म हो जाता है। दशकों से इस मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे ही एक और अलौकिक हनुमान मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर चित्तौड़गढ़ के कपास नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान हनुमान का ये मंदिर प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस हनुमान मंदिर को लिंकन के बालाजी के नाम से जाना जाता है। वहीं यहाँ एक माता का मंदिर भी है जहाँ मान्यता है कि बीमार बच्चों को यहाँ लाने पर उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। दरअसल ये हनुमान मंदिर बहुत ही प्राचीन बताया जाता है। इस हनुमान मंदिर में रोज भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माना जाता है कि यह हनुमान मंदिर कपासन नगर की उत्पत्ति से पहले का है। इस मंदिर में लगी हनुमान जी की प्रतिमा जमीन के अंदर से निकले हुए बहुत बड़े पत्थर के रूप में अंकित है। हनुमान जी का यह स्वरूप बेहद मनमोहक है। इस मंदिर की गिनती कपास नगर में सबसे प्राचीन मंदिरों के रूप में की जाती है। वहीं इस हनुमान मंदिर के पास स्थित एक देवी का मंदिर भी है जिसे खखरिया माता के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन देवी माता का मंदिर है। खखरिया माता का मतलब इस क्षेत्र में खखरा नामक वृक्ष बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। इस वृक्ष को पलाश या जंगल की ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। इस माता को बच्चों की देवी भी कहते हैं क्योंकि इस मंदिर में सबसे ज़्यादा बीमार बच्चों को ही लाया जाता है। मान्यता है कि बीमार बच्चों को जब यहाँ लाया जाता है तो माता के मंदिर दर्शन मात्र से उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। चाहे बच्चों को कोई भी बीमारी हो या वो बहुत रोते हों या किसी की बुरी नज़र लग गई हो, सब समस्या का समाधान माता के दरबार में हो जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो बीमार बच्चों के माता पिता बच्चों के पुराने कपड़े यहाँ स्थित प्राचीन इमली के वृक्ष पर बांधकर बच्चों के स्वस्थ रहने की मनोकामना करते हैं। बच्चों के ठीक होने के उपरांत श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धानुसार माता के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है। हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना माता के चरणों में अर्पित करते हैं। ये प्राचीनतम मंदिर नगर के आसपास बहुत ही विख्यात है। माता के मंदिर के पास ही प्राचीन भैरव का मंदिर भी है। इस मंदिर से भी लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो ऐसी ही धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइफ को।